नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और लेकर आए हैं जिले की कुछ खास खबरें, दिखाते हैं विस्तार से। भवानी मंडी के रामनगर चौराहे पर तहसीलदार राम निवास मीणा ने बजरी से भरा ट्रक पकड़ा। यह ट्रक भट्ट साहब की गलोनी कॉलोनी के सामने खाली हो रहा था, जिसमें बनास की रेती थी। वही मौके पर एसडीएम राजेश ढागा पहुंचे, जहां ट्रक चालक को बुलाया गया तो उसने वहां से रवानगी रॉयल्टी बताई, जो कि मनोड़ थाना के नाम से थी। अब खनन विभाग वाले इसमें क्या कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तहसीलदार रामनिवास मीणा ने यह जानकारी दी। आवर कस्बे में वैष्णव समाज कमेटी और सदगुरु सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शिवालय धर्मशाला में निःशुल्क नेत्र रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ किया गया। इसके बाद यहां जांच कराने आए मरीजों की आंखों की जांच करके ऑपरेशन योग्य मरीजों को मध्य प्रदेश के आनंदपुर भेजा गया। वैष्णव समाज कमेटी के सदस्यों ने शिविर के दौरान 250 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें ऑपरेशन योग्य 63 मरीजों को ऑपरेशन के लिए आनंदपुर भेजा गया। डॉक्टर राकेश दांगी ने बताया कि सदगुरु सेवा ट्रस्ट द्वारा इनका वहां पर निःशुल्क ऑपरेशन कर चश्मा भी दिया जाएगा। आवर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते सालों से लगे बिजली के पोल नीचे से सड़ चुके हैं। गलियों और बाजारों में ये लगे पोल गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बुरालाल बसेर के मकान के पास लगा बिजली का सबसे पुराना पोल धड़ाम से गिर गया। गनीमत रही कि जब पोल गिरा उस समय रास्ते में किसी की आवाजाही नहीं थी, और एक गनीमत यह रही कि बिजली का पोल सीधे रास्ते में गिरा, इससे आसपास के मकानों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब पोल गिरा तो आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर दौड़े और जीएसएस पर फोन कर बिजली को बंद करवाया। मोहल्ले को लोगों ने बताया है कि आज तो बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कभी भी कस्बे में कोई जर्जर पोल खड़े हैं जो कि हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। वर के बड़ौदा राजस्थानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पगारिया शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए की क्लेम राशि दी। मृतक के परिजनों के खातों में ट्रांसफार्मर करवाई। शाखा प्रबंधक आर एल लोहित ने बताया कि आवर निवासी आलम खान ने अपनी पुत्री हमीदा बी और लड़खेड़ा निवासी नारायण लाल ने अपनी पत्नी विनोद बाई का पगड़िया शाखा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए वार्षिक किस्त का बीमा करवाया था। इस दौरान बीमित हमीदा बी की दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, एक विनोद बाई की 7 अक्टूबर 2019 को आकस्मिक निधन हो गया था। परिजनों द्वारा किए गए बीमा क्लेम के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा दोनों मृतकों के बाद बीमे के आधार पर 2-2 लाख रुपए क्लेम राशि सौंपी गई। इसके लिए दोनों को परिजनों के खातों में राशि को हस्तांतरित किया गया। और क्या खींच लिया प्रधानमंत्री बीमा योजना का फायदा उठाए। जिस प्रकार है ये जीवन ज्योति बीमा योजना में आवर के आलम सनक इसको तो मिला है बच्ची का था ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत इसे अपनी शाखा कार्यालय पगारिया से बीमा करवाया था, और इनके देहांत उपरांत आलम सनोफ अमीर अहमद। चौमेला में पेंशन संघ की मासिक बैठक पंचायत भवन चौमेला पर आयोजित की गई, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौमेला के बैंक प्रबंधक भव्य दीपक शर्मा का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौमेला के द्वारा पेंशन कर्मचारियों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार की वजह से प्रदान किया गया है। चौमेला शाखा द्वारा पेंशन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का 100% एरियर भुगतान चौमेला शाखा
द्वारा कर दिया गया है। बैंक के पेंशनर कर्मचारी संघ संतुष्ट हैं और SBI शाखा प्रबंधक का मासिक बैठक में सम्मान किया गया। इस दौरान पेंशन संघ अध्यक्ष गोपाल शर्मा, रमेश निगम मौजूद रहे। आज पेंशनर समिति चौमेला ने पंचायत भवन में एक उनका जो मंथली मीटिंग होती है उसमें एक हमें आमंत्रित किया था। जब हम गए तो पता लगा कि उन्होंने हमें सम्मानित किया इस बात के लिए कि SBI में इनके सभी पेंशनर्स का जो एरियर भुगतान है सातवें वेतन आयोग का वो हो चुका है और सारे ज़िले में चौमेला एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ किसी का भी एरियर भुगतान लंबित नहीं है। साथ ही वो हमारी सेवा से संतुष्ट हैं। झालावाड़ के सिंधी एवं पंजाबी समाज ने पाकिस्तान में स्थित प्रथम गुरु नानक देव की स्थान पर नानकाना साहब में कट्टरपंथियों द्वारा हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। भारत सरकार के मांग की कि पाकिस्तान सरकार को पाबंद करे, आइंदा भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। प्रदर्शन में लोगों ने तख्तियां ले रखी थी जिसमें पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लिखे हुए थे। पंजाबी समाज द्वारा झालावाड़ में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान नानकाल साहिब पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमले के विरोध में शहर में विभिन्न एरिया में प्रदर्शन किया गया। इस हमले से समाज के लोग आहत हुए और समाज में रोष व्याप्त है। भारत सरकार से मांग की गई है कि पाकिस्तान सरकार को पाबंद कर कड़ी कार्रवाई करे जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। झालावाड़ मंगलपुरा स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से सचिवालय तक विशाल रैली निकाली गई जिसमें सिख समाज के पुरुष, महिला, बच्चे के साथ सर्व समाज के लोगों ने, BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। झालावाड़ जिले के सबसे बड़ा अस्पताल झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का जनाना अस्पताल के शिशु रोग विभाग के NICU यूनिट में 4 वार्मर कई दिनों से खराब पड़े हैं। कमी के चलते एक वार्मर पर 2 शिशुओं को रखना चिकित्सालय प्रशासन की मजबूरी बनी हुई है। इसके चलते बच्चों को उचित तापमान में रखने का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। चिकित्सालय में गत वर्ष 2019 में 1634 शिशु भर्ती हुए थे। इनमें से 663 शिशुओं की कई बीमारियों के चलते आकस्मिक मौत हो गई थी। यह तो NICU वार्ड के हाल है। वहीं जनाना चिकित्सालय में टूटी खिड़कियों व टूटे कांच से आ रही शीतलहरों से वार्ड में भर्ती जच्चा बच्चा दोनों कपकपा रहे हैं। इसके बावजूद चिकित्सालय प्रबंधक लापरवाही दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चिकित्सालय का हाल अच्छा नहीं है। जनाना वार्ड में खिड़कियों के कांच व जालियां टूटी हुई है। ऐसे में सर्द हवाएं यहां भर्ती शिशु और माँ के साथ भी सार संभाल कर रहे हैं। जो बच्चे हैं जी, अभी दिसंबर माह में जो है 47 डेथ हुई है उस पर। दिसंबर में 47 डेथ। वजह क्या रही? वजह तो सारे पेशेंट हमारे पास सिक पेशेंट आते हैं, रेफर्ड पेशेंट आते हैं जी। अच्छा, इस वजह से उसमें डेथ होती है, बाकी व्यवस्था हमारे पास सारी है। अच्छा, कितने वार्मर की अपन को जरूरत है और अभी कितने वार्मर? सुनेल में अत्यधिक ठंड व कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों को अपने खेतों पर आवारा पशु से फसलों की रखवाली करने के लिए इस हाड़कांपती ठंड में भी खेत पर रखवाली करने के लिए जाना पड़ रहा है। उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जब सुनेल थाना क्षेत्र के सरोनिया गाँव में आवारा पशुओं से फसलों की रखवाली करने के लिए खेत पर गए एक किसान की अत्यधिक ठंड से मौत हो गई। मृतक के पुत्र रामप्रसाद ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि उसके पिता बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल जाति तेली निवासी सरोनिया देर रात को अपने खेत पर आवारा पशुओं के फसलों की रखवाली करने के लिए गए थे कि ठंड अधिक होने के कारण वह अचेत हो गए। झालावाड़ जिले के बगानी थाने के दातिया गांव में एक 70 वर्षीय किसान की खेत पर रखवाली करते समय ठंड से अचानक मौत हो गई। किसान कालूलाल भील ने अपने खेत पर रखवाली करने के लिए गया हुआ था। सुबह उसका बेटा गोपाल लाल खेत पर चाय लेकर गया तो वह खेत और चारपाई में मृत पड़े हुए थे, जिसकी सूचना उन्होंने अपने परिजनों ग्रामीणों को दी। मृतक की बकानी अस्पताल में ले जाकर आए जहां पर चिकित्सालयों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। में प्रार्थी श्री गोपाल लाल ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरे पिताजी कालूलाल जी उम्र 70 साल करीब निवासी दांतिया खेत पर रखवाली करने गए थे, रोजाना ही जाते थे, कल भी गए थे। अब सुबह में उनकी चाय लेकर खेत पर गया तो मेरे पिताजी खाट पर मर्द पड़े हुए थे।
फिर मैं वापस घर आया, मेरे काका को भाई को बताया, वहाँ से लेके अस्पताल बकानी आए जहाँ पर डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, मेरे पिताजी की मौत। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुशहाल कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, हमारे यहाँ मटेरियल व लेबर रेट में मकान का कार्य किया जाता है, वो मकान बनाकर बेचा जाता है। संपर्क सूत्र मदनलाल कुमावत ठेकेदार, महेश कुमावत ठेकेदार। हमारा मोबाइल नंबर है 9414771735, 9462571735, 9782727736 भवानी मंडी।